कुंडलिनी जब जान जाती है कि कोई अधिकारी है सामने, तो आप अपनी आंख से देख सकते हैं कि कुंडलिनी का स्पंदन होता है, क्योंकि मनुष्य को पहले कन्विंस करना पड़ता है, तो कुंडलिनी खुद ही जोर से मारती है और आप अपनी आंख से देख सकते हैं कुंडलिनी उठती है। अगर कोई डॉक्टर हो तो वो स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं कि वहां पर कुंडलिनी का आवाज आ रहा है, माने अनहत जैसे हृदय में आता है। अनहत का मतलब है विदाउट परकशन। तो अपने हृदय में जैसे धक 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 आवाज आती है, उसी तरह की आवाज हमारे रीढ़ के पीठ के त्रिकोणाकार अस्थि में आवाज बड़ी जोरों में आती है। फिर जब आप धीरे धीरे कुंडलिनी उठती है तो उसको भी जरा आप स्थिर भाव से देखें, तो आपको दिखाई देगा जैसे चीज लगेगी कि कोई चीज ऊपर में चली जा रही है। इतना ही नहीं, लेकिन उस कुंडलिनी के अलग अलग जो सेंटर्स हैं यहाँ बनाए हुए, उन सेंटर्स पे अगर आप स्टेथोस्कोप रखें तो वहां भी आप देख सकते हैं कि आपको जब कुंडलिनी वहां पहुंचती तो आवाज आती है। लेकिन एक सहज योगी को तो ऐसे ही पता होता है कि इसकी कुंडलिनी कहाँ आ गई है, कहाँ तक पहुंच गई, वो दूसरी बात। आप जब पार नहीं हुए हैं तब भी आप इस त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी हुई इस कुंडलिनी को देख सकते हैं। लेकिन तो भी बकरी की तीन टांग, अभी कोई डॉक्टरों को बताइए तो वो कहेंगे कि ऐसा नहीं वैसा हो सकता है, ये तो ब्रीदिंग हो सकता है। अभी यहाँ आपने कहीं देखा है कि इतनी सी जगह ब्रीद करती होगी, लेकिन बकरी की तीन टांग, वो अपने कहते कि नहीं साहब हमारी तो बकरी की तीन ही टांग। अब ये जब अमेरिका में जाऊंगी, इसी साल अमेरिका के डॉक्टरों ने एक कॉन्फ्रेंस मेरे लिए अरेंज की थी पर मैंने अवॉइड कर दिया, क्योंकि मैं उनसे क्या गणपति की बात कहूंगी, मैंने सोचा उनसे मैं क्या धर्म की बात करूंगी, ये तो अपने ही देश के डॉक्टरों को समझना चाहिए कि ये हमारा हेरिटेज है, हमारी जिसको मराठी कहते हैं वारसा है, इसको क्या हम लोगों को उन लोगों को समझाना होगा। अब मेरा तो वहां सर पहले फूटेगा कि उनको पहले मैं गणपति समझाऊं, उसके बाद उनको सब चीज समझ में आएगी। और यहाँ के डॉक्टर लोग घर में गणपति की पूजा करेंगे और गणपति के सामने झुकेंगे, लेकिन अगर मैं कहूं कि गणपति आपके पेल्विक क्लस्टर्स को कंट्रोल करता है तो वो कहेंगे ये क्या बातें माता जी आप करें, हमारा जो साइंस है वो अंग्रेजी साइंस है, उसको आप कुछ गणपति अनपति मत लगाइए। अंग्रेजी साइंस भी कोई क्या, इंग्लैंड में ही पैदा हुआ था। डॉक्टरों की भी जो एटीट्यूड हिंदुस्तान में है वो कभी कभी मेरी समझ में नहीं आती, हालांकि मेडिकल इंस्टीट्यूट में जब मेरी बातचीत हुई तो वहां कुछ लोग जरूर इस नतीजे में पहुंचे, क्योंकि काफी पढ़े लिखे लोग हैं और वो लोग इस नतीजे में पहुंचे कि माता जी जो बात कह रही है उसको सुनना चाहिए, और हो सके तो कुछ न कुछ इस मामले में आगे हो सकता है। उनके वहां से स्टूडेंट भी आ रहे हैं इसकी स्टडी करने के। बहरहाल वो जो भी हो, आप खुद देख सकते हैं कि कुंडलिनी त्रिकोणाकार अस्थि में स्पंदन कर, ये आपके अंदर मैकेनिज्म में बैठी हुई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी हुई कुंडली। ये कुंडलिनी, इसे हम गौरी के नाम से जानते हैं। अब हमारे शास्त्र दोनों चीज साथ साथ चलनी चाहिए, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें, आप अगर साइंटिस्ट हो तो आपको जानना चाहिए कि आप अगर साइंटिस्ट में हैं तो साइंस भी परमात्मा से ही आया है, ये सृष्टि का कण कण भी उसी का बनाया हुआ। गौरी जी जिसे हम मानते हैं, ये गौरी जी वही है जो कि शक्ति स्वरूप है और इस वक्त में वो कुंवारी है और अभी उनकी शादी शिव जी से हुई है और वो नहाने गई हुई है। उस समय का जो समय माना हुआ है सिंबॉलिकली हमारे यहाँ, वही समय अभी भी कुंडलिनी का है कि वो वहां चुपचाप बैठी हुई। ये बड़ा काव्यमय है समझने के लिए, क्योंकि सारा ही व्यवहार मनुष्य से है, ये कोई ऐसा नहीं कि आपने बटन दबाया और बिजली चल दी, क्योंकि बिजली कुछ सोचती नहीं है, बिजली समझती नहीं है और ये आपको प्यार भी नहीं करती, अगर आप इसके गलत हाथ लगा दे तो आपको जला भी देगी। लेकिन कुंडलिनी जो है ये आपका सारा टेप रिकॉर्डर है, जन्म जन्मांतर का जो भी कुछ है इस कुंडलिनी में टेप होता है और आपके हृदय में परमात्मा जो कि साक्षी स्वरूप है उसका प्रतिबिंब आत्मा स्वरूप, परमात्मा और उनकी शक्ति, ऐसी दो चीजें आप समझें। जब परमात्मा और शक्ति एक हो जाते हैं तब ब्रह्म स्वरूप होता है और जब शक्ति परमात्मा से हट जाती है तब परमात्मा और शक्ति दो चीज। शक्ति जो है वो ही सारा कार्य करती है और परमात्मा उसके साक्षी होते हैं, वो उसे देखते हैं। ये सारा जो कुछ भी लीला कार्य है ये उसे एक परमात्मा के लिए देखने के लिए है, वही एक स्पेक्टेटर है, वही एक साक्षी है, उन्हीं के शौक के लिए समझ लीजिए ये कार्य है। जिस दिन उनको पसंद नहीं आएगा वो इसे बंद कर और वो अपने हृदय में शिव के रूप में और आत्मस्वरूप अपने हृदय में बैठे हुए हैं और वो एक छोटी सी चिंगारी या जोत समझ लें अपने हृदय में। कुंडलिनी जो है ये शक्ति है, शक्ति के तीन भाग हो जाते हैं, क्योंकि शक्ति को जब कोई कार्य करना हो तो वो तीन भागों में विभिन्न हो जाती है। अब यही देखिए कि हम बिजली को तीन तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे हम बोल रहे हैं तो ये साउंड वेव्स ले जा रही है, पंखा है वो हवा दे रहा है, लाइट है वो लाइट। शक्ति के भी तीन भाग हो जाते हैं और इन तीन भागों से ही सारा ही संसार बन पड़ता है। अब कोई कहेगा इसका क्या प्रूफ है, इसका भी प्रूफ आपको हम कुंडलिनी जागृति में दिखा देंगे।
हमारे अंदर तीन तरह की शक्तियां हैं। आप इसको अगर अंग्रेजी नाम दीजिए तो लोगों को लगता है कि माता जी ठीक बोली, पर गए मैंने अपना पुराना नाम दिया तो लोग कहते ये क्या माता जी गाँव की बात करते, क्योंकि हम लोग अब भी उसी स्लेविश पना में चल रहे हैं कि सब चीज अंग्रेजी में होनी चाहिए। तो पहले अंग्रेजी में बताते, हमारे अंदर जो कल स्वयं चालित संस्था की मैंने बात की थी, जिसको कि हम लेफ्ट एंड राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, और बीच में जो हमारी पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो कि हमें बाहर दिखाई देती है, उसका अंदर सूक्ष्म स्वरूप जो है वो उसके अंदर जो सूक्ष्म शक्ति चल रही है उस शक्तियों का नाम सिर्फ हमारे शास्त्रों में है, उसे हम क्या, वो अगर संस्कृत भाषा में हो जाने से क्या झूठे हो जाएंगे और अंग्रेजी भाषा में हो जाने से क्या सही हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग अंग्रेजी पहले पढ़े और संस्कृत कभी पढ़े नहीं और पढ़ेंगे भी नहीं, इसलिए क्या संस्कृत भाषा में जो कुछ भी सत्य लिखा है वो झुठलाया जाएगा। हमारे यहाँ उसे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती इन तीन पवित्र नामों से जाना जाता है। हमारे यहाँ इन शक्तियों को पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वगैरह नहीं कहा, इसकी वजह यह है कि ये शक्ति स्वयं सोचती हैं और कार्यान्वित होती हैं और प्यार करती। जब आप कोई सिंपैथेटिक सिस्टम कह दें इसका मतलब तो ये होता है कि ये कोई शक्ति सोचती है, ये प्यार ही नहीं करती। इन तीन शक्तियों को आप यहाँ देखिए जो कि मैंने दिखा है, ये सूक्ष्म स्वरूप है। अब वो वॉड्रॉफ साहब ने इतनी बड़ी किताब लिखी है कुंडलिनी पे, उनको यही मालूम नहीं है कि हमारी रीढ़ की जो हड्डियां हैं उसमें सूक्ष्म ये नाड़ियां हैं, ये चैनल्स उसके अंदर सटल फॉर्म में है, और बाहर की तरफ में जो ग्रोथ जो हमें आंखों से दिखाई देते हैं प्लेक्सस वगैरह, ये बाह्य में दिखाई देते हैं, उसकी चालना करने वाली ये शक्तियां हैं, यही उनको मालूम नहीं, इतने कंफ्यूज हैं वो, इन्होंने इतनी बड़ी किताब लिख दी मेरे समझ में नहीं आया। ये सूक्ष्म शक्तियां पीछे में हैं, ये दिखाई नहीं देती, लेकिन जो दिखाई देती हैं वो बाहर ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दिखाई देती, उनको चलाने वाली जो शक्तियां हैं वो हमारे अंदर है। और ये तीन शक्तियां हैं महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। महाकाली शक्ति को मनुष्य में हम लोग पाते हैं जिस चैनल पे या जिस नाड़ी पर महाकाली के, उसे हम ईड़ा नाड़ी कहते हैं, सबका नाम का भी अर्थ है। और जिसको हम महासरस्वती कहते हैं वो पिंगला नाड़ी पर चलता है, और जो बीचों बीच नाड़ी होती है जिसको कि हम पैरासिंपैथेटिक नर्वस से जो संबंधित है या पैरासिंपैथेटिक को जो चलाती है उस नाड़ी को हम लोग सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। अब यह संस्कृत में ही नाम है, अंग्रेजी में है नहीं, अगर होते तो मैं बताती, क्योंकि उन्होंने ये देखा नहीं, उन्होंने ये मनन किया नहीं, वो इसकी जड़ में नहीं घुसे हैं, वो पेड़ का बढ़ा देख रहे हैं, लेकिन जड़ में तो हमारे देश में मेहनत हो गई, उसे हम क्या कर सकते हैं। ये जो ईड़ा नाड़ी है और पिंगला नाड़ी है और सुषुम्ना नाड़ी है, ये आपके अंदर है और इसे आप जान भी सकते हैं, अगर आप सहयोगी हो जाए तो आपको आश्चर्य होगा कि आपके अंदर इन्हीं तीन नाड़ियों से बैलेंस होता है। पहली जो नाड़ी है जिसे कि आप ईड़ा नाड़ी कहते हैं, उस नाड़ी से या महाकाली की पावर से आप संसार का जितना इमोशनल कार्य है वो करते हैं। आपकी स्थिति होती है, आप जो भी कुछ चीज संसार की सब चीजों से इकट्ठे करते हैं, जितने अनुभव हैं, इसको कि लोग कंडीशनिंग कहते हैं आजकल, मतलब जैसे कि साइकोलॉजी में उसको कंडीशनिंग शब्द इन्होंने लगाया हुआ है, कि जो कुछ भी हमारे अंदर बाहर से आता है, जो कुछ भी पास्ट का है, पूर्व जन्म का है, क्योंकि आजकल के साइंसेस में तो पूर्व जन्म की बात नहीं होती, लेकिन जो भी अनेक जन्मों का है वो सब कुछ हमारे अंदर इसी नाड़ी से आता है, और इसी नाड़ी से हमारे अंदर जो इसी का हिस्सा है कुंडलिनी, उसमें ये ज्ञात होता है। ये नाड़ी हृदय के ऊपर से गुजरती है, वहां पर आपके आत्मा स्वरूप परमेश्वर विराजमान है। परमेश्वर का जो स्वरूप हमारे अंदर साक्षी रूप से विराजमान है, वो जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, अभी आप जो भी कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो आपने किया, जो कुछ आपने पाया है वर्तमान से, उसे वो इससे झंकृत करके और कुंडलिनी में नोट करते हैं, और जो इस जीवन का भी है वो भी इसी से झंकृत होता है और आपके लेफ्ट हैंड साइड में इकट्ठा होते जाता है। आपका जितना पास्ट है आपके लेफ्ट हैंड साइड में। अब इसी के साथ निगड़ित आप सोचिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड है, और सबकॉन्शियस माइंड के बाद में आपका जो है कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड, जो कुछ आपका मरा है, सारे संसार का मरा है, आपके लेफ्ट हैंड साइड में चलता है। अब यह है या नहीं, यह आपको हम कुंडलिनी पे बाद में दिखाएंगे, इसका आप एक्सपेरिमेंट से आप सिद्ध कर सकते हैं। सहज योग सबसे प्रैक्टिकल चीज है।